हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम ऑमलेट बनाएंगे। ये सभी को बहुत ही पसंद आता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आइए ऑमलेट बनाना शुरू करते हैं। ऑमलेट बनाने के लिए मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, 1 प्याज बारीक काट ली है, 1 टुकड़ा अदरक का बारीक काट लिया है, 1 हरी मिर्च बारीक काट ली है, 1 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक काट लिया है, 2 टेबल स्पून बटर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और ये 2 ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम ये अंडे लेंगे और इसे इस तरह फोड़ेंगे। ये मैंने दोनों अंडे इस तरह फोड़ लिए हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे, मिर्च डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे और सबको अच्छे से फेंटेंगे। तो ये मैंने अंडों को अच्छे से बीट कर लिया है। तो अब हम ये तवा लेंगे, गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और इसे गर्म होने देंगे। जैसे ही तवा गर्म होगा बटर डालेंगे। आप चाहें तो बटर की जगह घी का भी यूज कर सकते हैं। इसे तवे पर चारों तरफ इस तरह फैला लेंगे। अब हम इसके ऊपर अंडे का बैटर डालेंगे, प्याज डालेंगे, अदरक डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और ये हरा धनिया डाल देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे थोड़ा सा सिकने देंगे। उसके बाद हम इसे फ्लिप करेंगे। आप देख सकते हैं ऑमलेट थोड़ा सा सिक गया है। अब हम इसे फ्लिप करेंगे। और इसे दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। आप देख सकते हैं ऑमलेट दोनों साइड से अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। अब हम इसी तवे पे थोड़ा सा बटर डालेंगे, बटर को थोड़ा मेल्ट होने देंगे और इसके ऊपर ब्रेड रखेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेकेंगे। ब्रेड को पलट देंगे और इसे दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। ब्रेड अच्छी गोल्डन ब्राउन सिक गई है। अब इन्हें भी एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ब्रेड ऑमलेट बनकर तैयार हुआ है। आप इसे किसी भी सॉस चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।